हम बनाएंगे ये पनीर कोफ्ता, जिसके लिए 200 ग्राम पनीर और इसमें ये दो आलू, और आलू के ऊपर ये काजू हमने 10 काट लिया था छोटे छोटे पीस में वो, और इसके ऊपर एक आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और एक छोटी चम्मच नमक और एक चम्मच के आसपास कटी हुई धनिया, और इसको मिक्स कर लेंगे कोफ्ता बनाने के लिए। और इस तरह से अब हम एक कोफ्ता का बॉल बना लेंगे इस तरह से, और ये बॉल इस तरह से बना के ये कॉर्नफ्लेक में साइड से लगा देंगे इस तरह से, और इसको रख लेंगे, और फिर हम दूसरा कोफ्ता का बॉल बनाएंगे, और इस तरह से सारे कोफ्ता का बॉल बना के रख लेंगे हम पहले। कोफ्ता का बॉल बनाने के बाद तेल को हमने गरम कर लिया था, और ये कोफ्ता डालेंगे हम इस तेल में। कोफ्ता इस तरह से तेल में डाल लेंगे, और कोफ्ता डालने के 2 मिनट के बाद एक बार हम कोफ्ता चला लेंगे, और इसको सुनहरा होने तक इस बॉल को हम फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, और स्लो हाथ से चलाना है हमको, ताकि कोफ्ता जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, फटे या टूटे नहीं। और ये कोफ्ता हमारा गोल्डन हो चुका है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हम इस कोफ्ता का के लिए एक ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, और ये कोफ्ता निकालने के बाद फ्राई पैन में हम डालेंगे ये 3 चम्मच घी, इस घी में हम डालेंगे ये 2 लंबे प्याज कटे हुए, ढक देंगे, और ये 2 मिनट बाद बैटन से हम ढक्कन हटा लेंगे, फिर इसको चला लेंगे, और इसको चला लेंगे, और इसमें डालेंगे हम एक छोटी चम्मच गरम मसाला का पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद साइपैन से ढक्कन हटा के मिक्स कर लेंगे इस प्याज को, और इस पर हम डालेंगे ये 10 काजू डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर हमने लंबा लंबा काट लिया था, वो टमाटर इसके अंदर, और ये टमाटर इसके अंदर डाल लेंगे, और इस पे डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच हमने कोफ्ता में भी डाला हुआ है, 1 ही चम्मच डालेंगे,
लाके रख के पकने देंगे और ये 5 मिनट रख के पकाने के बाद ग्रेवी के लिए ये टमाटर और प्याज काजू को इस मिक्सर के जार में निकाल लेंगे और इसमें आधी कप पानी डाल के पीस लेंगे और ये कोफ्ता का मसाला ग्रेवी पीसने के बाद फ्राई पैन हमने गरम कर लिया उसमें डालेंगे ये 3 चम्मच घी डाल लेंगे और इस घी में डालेंगे जो मसाला हमने ग्रेवी तैयार किया था वो मिक्सर में पीसने के बाद वो डाल लेंगे इसमें और इसको घी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक ढक के पकने देंगे और ये हम ढक्कन हटा लेंगे और इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ता इसके अंदर और फिर से इसको 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे और ये हम ढक्कन हटा लेंगे और इसमें डालेंगे हम ये 3 छोटी चम्मच क्रीम डाल लेंगे और इसको क्रीम को मिक्स कर लेंगे इस तरह से मिक्स करने के बाद इस बाउल में डालेंगे ये कोफ्ता डाल लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे हम ये जो ग्रेवी तैयार किया हुआ था वो ग्रेवी इसके ऊपर और इसके ऊपर डालेंगे ये बचे हुए कोफ्ते और ये तैयार है हमारा पनीर कोफ्ता।